चाहत फतेह और बसंत मुकाबला। गाड़ी असगराबाद गांव की बड़ी सड़क पर फर्राटे मारती जा रही थी और उसमें बैठे साहब अपनी ही धुन में गुनगुना रहे थे। लोटा 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 बम बम लोटा लोटा, कोई वड्डा लोटा, कोई निक्का लोटा, कोई नीला लोटा, कोई पीला लोटा, बम बम लोटा 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 लोटा। इतने में गाड़ी झटके मारती हुई रुकी। अरे यार, अब इसको क्या हुआ? दूसरी तरफ पास ही मौजूद गैराज पे काम करते शीदे की नजर जैसे ही गाड़ी पर पड़ी वो छोटू से। ओए छोटू, तू जरा काम संभाल, मैं ये बकरा घेर कर लाया। इधर चाहत साहब परेशानी में। माशाल्लाह, पता नहीं मैं जब भी ये गाना गाता हूँ इसको पता नहीं क्या हो जाता है। माशाल्लाह, मेरा गाना इतना हिट है, फेमस है, माशाल्लाह। इतनी देर में शीदा बोला, जनाब घबराने की कोई बात नहीं, गाड़ी एकदम सही जगह पे खराब हुई है। हैं? क्या मतलब है आपका? माई सेल्फ शीदा मैकेनिक 24 आवर्स सर्विस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसका तो बस टायर पंचर हुआ है, मसला ही कोई नहीं, अभी ठीक कर देता हूँ जनाब। ये कहकर छोटे को ऊंची आवाज में बोला, छोटू साहब को कुर्सी पे बिठा और असलम की दुकान से एक तेजाब की बोतल पकड़ ला, मेरा मतलब है कोल्ड ड्रिंक लेके आ। चाहत साहब पास बैठे चाचा से, अस्सलाम वालेकुम। लाहौला वाला कुवत, भला ये क्या तरीका है सलाम कहने का, आपने पहचाना नहीं? माशाल्लाह, करोड़ों दिलों की जान, मैं हूँ चाहत फतेह अली खान, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। ओहो, मैं भी सोच रहा था आपको कहीं देखा है, आप तो अपने चाहत भाई हैं, क्या गाते हैं आप, वाह वाह, मैं तो बचपन से ही आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। चाहत साहब परेशानी में कुछ न बोले और चुपचाप रहने में ही अपनी आफियत जानकर बैठ गए। सत्यानाश जनाब, आपकी गाड़ी तो लोटा हो गई, मेरा मतलब है इसका इंजन जल गया जनाब। क्या कहा, इंजन जल गया? ऐसे कैसे जल गया, पंचर तो टायर हुआ था, कहीं तुम मुझे चूना तो नहीं लगा रहे? अरे चाहत भाई, आपसे तो हर कोई जलता है, अब ये इंजन तो मामूली सी चीज है। इतने में लाउड स्पीकर पे ऐलान होने लगा, हजरात जिसका था सबको बेसब्री से इंतजार, आ गया है वो शाकार, अब नहीं बनानी पड़ेगी आपको कतार, बस 10,000 जीतने के लिए हो जाओ तैयार, तो जल्दी जल्दी आ जाओ बसंत मुकाबले में यार। ये ऐलान सुनते ही शीदा, ओए छोटू दुकान बंद कर, इस बार ये इनाम मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। अरे अरे, मगर मेरी गाड़ी। अरे साहब छोड़ें इस गाड़ी को, उधर आए आपके हजारों फैन आपका इंतजार कर रहे हैं। ओ भाई वापस आओ, मुझे फंक्शन पे जाना है। चाहत साहब चीखते रहे मगर शीदे ने उनकी एक न सुनी और वो उसके पीछे पीछे भागते एक मैदान में पहुँचे। देखा तो वहाँ पूरा गांव जमा था और शीदा रश में कहीं नजर नहीं आ रहा था। थक हार कर एक चारपाई पर बैठ गए। सारा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजा हुआ था। चाहत साहब ये मंजर देखकर बहुत खुश हो रहे थे। मुकाबला खत्म हुआ तो सरदार का नौकर, अब इनाम देने के लिए मैं ऐसे इंसान को बुलाने जा रहा हूँ जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये सुनते ही चाहत साहब फौरन स्टेज पर आ गए। अस्सलाम वालेकुम, करोड़ों दिलों की जान, मैं हूँ चाहत फतेह अली खान, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। मैं तो सरदार को बुलाने वाला था। नहीं पहचाना, अभी अपना गाना सुनाता हूँ, अभी याद आ जाएगा, माशाल्लाह। लोटा 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 बम 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 लोटा लोटा, कोई निक्का लोटा, कोई वड्डा लोटा, कोई नीला लोटा, पीला लोटा, लोटा लोटा। ये गाना सुनते ही जैसे कोहराम मच गया। पूरे मैदान में लोग अपने कानों पे हाथ रखे इधर उधर भागने लगे,
लेकिन चाहत साहब अपनी धुन में ना जाने कब तक गाते चले गए। कोई रेड़ी वाला लोटा 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 बम बम लोटा लोटा बम बम लोटा लोटा बम बम। पॉपकॉर्न कहानी टीवी देख रहा हूँ। कौन कहानी टीवी? यार यूट्यूब पे क्या सर्च करना है पता तूने? क्या करना है? क्या सर्च करना है? पॉपकॉर्न कहानी टीवी, ये देख ले चैनल आ गया। कितनी प्यारी है यार। ये तो पतंगे पतंग है इधर भाई। इलेक्ट्रिक लाइट वो तो सबकी काट लिया भाई। बहुत मजा आ रहा है। ऐसी पतंग रुको जरा, सबर करो, मुझे भी तो बोलने का मौका दो। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पे आए। अब आ ही गए हो तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दो मेरे यार। ताकि हम इसी तरह आपको इंटरटेन करते रहें। बस इतनी सी बात थी, तो चलो फिर आज की स्टोरी देखते हैं। काइट चोर। कितने दिन हो गए किसी की जेब पे हाथ साफ किए हुए, अब तो जैसे नशा सा टूटने लगा है। पिछली बारी की मार भूल गए उस्ताद जी। कैसे भूल सकता हूँ छोटे, उस मुच्छड़ ने मार मार कर हशर कर दिया था मेरी तशरीफ का। अब भी सोचता हूँ तो रोना निकल जाता है कसम से। पर जो मजा चोरी में है वो किसी और काम में कहाँ। रात हुई तो दोनों घर से बैलगाड़ी लिए ये सोचकर निकले कि आज तो कुछ न कुछ चुरा कर ही वापस आएंगे। वहीं गली की नुक्कड़ पे थानेदार बैठा चाय पीने में मसरूफ था। भाई वाह, चाय तो तुम्हारी लाजवाब है। बहुत शुक्रिया साहब, और भी मजे की लगती अगर इसके पैसे भी दे देते। अरे कर दी ना गैरों वाली बात, अरे हम तुम अलग थोड़ी हैं। इतने में जेदी और शानी बैलगाड़ी पर बैठ वहाँ पहुँचे तो नाके पे खड़े सिपाही ने हाथ से रुकने का इशारा किया। इसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करवाओ। साहब बैल का ड्राइविंग लाइसेंस? ओए ढक्कन, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस? वो तो नहीं है साहब जी। लाइसेंस नहीं है तो चालान कटेगा, निकाल 1000 का नोट। साहब जी 1000 तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा है तो लगवाऊं थाने का चक्कर? साहब मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए का नोट है। चल 100 ही दे दे, भागते चोर की लंगोटी ही सही, कुछ तो आया हाथ में। जेदी ने जान छुड़ाने के लिए 100 का नोट दिया और बैलगाड़ी को लिए वहाँ से चलता बना। ये तो वही हो गया उस्ताद जी, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बड़ा आने। गुस्से से मेरा सर फटा जा रहा है। दिल तो कर रहा था थानेदार पे बैलगाड़ी चढ़ा देता। इतने में चलते चलते उनकी नजर काइट शॉप पे पड़ी। देखा तो काइट शॉप खुली हुई थी मगर अंदर कोई भी नहीं। उस्ताद जी ये तो उसी थानेदार के भाई की काइट शॉप है। अरे शानी, सारे हिसाब चुकता करने का टाइम आ गया है। ये कहते ही उन्होंने दुकान की सारी काइट्स और डोर को बैलगाड़ी पे लादा और रातों रात जंगल की तरफ काइट्स को छुपाने के लिए निकल पड़े। थोड़ी ही देर में शॉप ऑनर आया तो खाली दुकान को देखते ही जैसे उसका सर ही घूम गया। इधर उधर देख जब कोई नजर ना आया तो रोता पीटता अपने भाई थानेदार के पास जा पहुंचा। लूट गए भाई, कोई हमारी पूरी दुकान ही लूट कर ले गया। अरे किसकी इतनी हिम्मत जो हमारी दुकान में चोरी करे। ये कहकर जीप में बैठा और सिपाहियों को साथ लेकर दुकान पे जा पहुंचा। दुकान को खाली देख गुस्से से लाल पीला होकर पूरे गांव में ऐलान करवाने लगा। जिस किसी ने भी सब्जी की दुकान में चोरी की है आज रात का टाइम देते हैं, शराफत से खुद ही दुकान में वापस रख दे वरना पूरे गांव की खैर नहीं। दूसरी तरफ जेदी और शानी ने सारा लूटा हुआ माल जंगल में एक पुराने से घर में छुपाया और घर आकर आराम से सो गए। सुबह होते ही थानेदार सिपाहियों को लेकर पूरे गांव में जगह जगह छापे मारने लगा।
मगर उसके हाथ कुछ ना आया। कुछ ही दिन में जब थानेदार थक हार कर बैठ गया तो जेती और शानी फिर से बैलगाड़ी को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। अरे शानी, अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे, फिर हमें कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। उस्ताद जी, मुझे तो डर लग रहा है, हमें थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि थानेदार हमें पकड़ ले। बातें करते दोनों जंगल में उसी पुराने घर पहुँचे जहाँ काइट्स को छुपाया था। कुछ ही देर में उन्होंने सारी काइट्स को बैलगाड़ी पे लोड किया और साथ वाले गांव की तरफ जाने लगे। अभी वो बैलगाड़ी को लिए फाटक पे पहुंचे ही थे कि रास्ते में बैलगाड़ी के सामने एक सांप आ गया। सांप को देखते डर गए। अरे क्या हो गया है इसे? अरे रुक जा, ओए रुक जा, रुक जा, ओए ओए रुक जा। अरे उस्ताद जी रोके इसे, ये तो पागल हो गया है। अरे छोटे कैसे रोकूं इसे, ये नहीं रुक रहा है। इधर उधर भागते हुए सीधा गांव में लगे थानेदार के नाके पे जा पहुंचा। थानेदार ने जेदी और शानी को इतनी सारी काइट्स के साथ देखा तो फौरन पकड़ लिया और मार मार कर बंदर बना दिया।